हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फर्स्ट टी20 मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। इस मैच के बारे में मैं आपको प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, न्यूज़ एंड ड्रीम 11 टीम देने वाला हूँ। तो फिर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। इससे पहले जो आयरलैंड वर्सेस इंडिया का जो मैच होने वाला है, मैंने इसका कन्फर्म प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम दोनों ही डाल दिया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, दोनों ही टीम के लिए ये मैच फर्स्ट टी20 मैच जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वहीं पे जो वनडे सीरीज़ हुआ था, जिस पे 5 मैचेस की वनडे सीरीज़ हुआ था, जिस पे ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक भी मैच नहीं जीता है और इंग्लैंड ने जो है वाइट वॉश किया था। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग फ्रेंडली पिच आप ब्रिज कह सकते हो जहाँ पे मैच होने वाला है। इसके अलावा जो इनका हाई स्कोर था जो है 180 हुआ था, एवरेज टोटल जो आप यहाँ पे 156 है और सेकेंड इनिंग का एवरेज टोटल जो है 140 है। लेकिन ये सारे मैच जो है पहले खेले गए थे और दोनों इंग्लैंड के प्लेयर जिस हिसाब से फॉर्म में हैं उस हिसाब से अराउंड आप कह सकते हो उन्हें एवरेज 180 तो ज़रूर बनेगा और वहीं पे जो है ऑस्ट्रेलिया जो है 160 तक जो है बना सकता है। तो आपको बैटिंग फ्रेंडली समझ के जो है टीम बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं विकेट प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में विकेट कीपर पर जॉस बटलर, बैट्समैन पे एलेक्स हेल, जॉनी बेस्टो, जो रूट, जेसन रॉय, इयान मॉर्गन, मोइन अली एंड डेविड वॉली ऑलराउंडर पे ये सारे प्लेयर जो है कन्फर्म हैं। और बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो बॉलर्स पे आदिल रशीद, लियम पंकित जो है लगभग कन्फर्म है। और इसके अलावा जो आप टॉम कुरान, जेक बॉल, सैम कुरान, क्रिस जॉर्डन में से कोई भी दो प्लेयर खेल सकता है। तो फ्रेंड हम बात कर लेते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। तो एलेक्स केरी विकेट कीपर आपके लिए ये भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो। वहीं पे बैट्समैन पे यहाँ पे अरुण फिंच, ट्रेविस हेड एंड डी शॉट लगभग कंफर्म है। वहीं पे जो है ग्लेन मैक्सवेल और निक मेडिसन में थोड़ी बहुत डाउट है, दोनों में से कोई एक जो है खेल सकता है। वहीं पे ऑलराउंडर पे मार्कस स्टेनिस, एस्टन एगर जो रहेंगे। और बॉलर्स की बात करें तो बिली स्टैनले के ये जेटाई और यहाँ पे जो है शायद ज़्यादातर चांसेस है केन रिचर्डसन के खेलने की। वहीं पे जो है जेक और या फिर स्वप्निल जो कि एक लेग स्पिनर है, इन ये शायद खेल सकते हैं। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं अब ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो ड्रीम 11 टीम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैंने जो है ज़्यादातर बैट्समैन को फेवर किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे विकेट कीपर से शुरू करते हैं। तो विकेट कीपर पर आपके पास जॉस बटलर एंड एलेक्स केरी जो कि विकेट कीपिंग ऑप्शन है। तो इनमें से आपके पास जो है बेस्ट ऑप्शन रहेंगे जॉस बटलर। वहीं पे एलेक्स केरी को आप ग्रैंड लीग में ले सकते हो या फिर आप 20 मेंबर लीग अगर खेलते हो तो उसमें भी जो है आप एलेक्स केरी को ले सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं बैट्समैन की। तो मैंने यहाँ पर अरुण फिंच, इयान मॉर्गन, ट्रेविस हेड और जॉनी बेस्टो को लिया है। आप चाहें तो और अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे जेसन रॉय को लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे जो रूट, मैक्सवेल हालांकि थोड़ी रिस्की हो सकते हैं, डी शॉट और एलेक्स हेल को ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर पर मैंने यहाँ पे मोइन अली को लिया है और डेविड वॉली को लिया है। आप चाहें तो मार्कस स्टोइनिस को ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। वहीं पर आप एस्टन एगर को भी ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। इसके अलावा बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो यहाँ पे आपके पास एजे टाई, सॉरी एंड्रू टाई, आदिल रशीद एंड यहाँ पे मैंने बिली स्टैनली को लिया है जो कि सेफ ऑप्शन है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे लियम पंकित को ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है आज जो है स्वप्निल जो है बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर बॉलर है, इनको शायद आज मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। तो कैप्टन यहाँ पे मैंने जेसन रॉय को लिया है, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे अरुण फिंच को लिया है। आप चाहें तो जॉस बटलर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे और इयान मॉर्गन। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में।